तनवीर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 जुलाई 2019 जो बजट सेशन हो गया, तो उसमें महिलाओं के लिए एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन शी सेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बेटर कुकिंग एवेन्यूज विल बी अवेलेबल टू द वुमेन एंड एज फार एज फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट विल बी देयर लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. डू यू थिंक दैट इट इज़ ओनली सफिशेंट for the women folk and girl child in the present scenario of the society? Dekhiye, first of all, what we have to understand is that what they say is what they mean. At the end of the day, whatever they said, it has to be implemented on the ground. अब आप कुछ भी बोले उसके बाद इम्प्लीमेंट ना करें. देखिए, आपने देखा अभी तक जितने भी वादे पिछले 5 साल से हुए इस गवर्नमेंट ने दिया, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ. तो आज ये इंसेंटिव्स की बात करना, किसी तरह सोशल असिस्टेंस देने की बात करें, कुकिंग में फ़र्क, अच्छी बातें तो हैं. हम तो चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि जो वुमेन फोक है या जितने भी हमारे ये तबके हैं उनको किसी न तो किसी तरीके से दे शुड गेट हेल्प. बट एट द एंड ऑफ द डे वुड दैट बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन. वो मुझे नहीं लगता है वो होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हम तवक्कु तो बहुत रख रहे हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट को हम देख, आप जैसे कहते हैं ना कि आप हर एक इंसान को उसके एक्सपीरियंस से जानते हैं. हमारा ये बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले 5 साल में जो भी बजट में उन्हें बोला, अगर आपको याद होगा 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो सब कुछ तो हुआ नहीं. तो आज जो ये अच्छी बात है कि एक पहली बार एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा बजट दिया, बट उस अच्छा बजट तभी होगा जब वो इम्प्लीमेंट होगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन फोक इन प्रेजेंट सिनेरियो, so do you think that that there should be much more implementation and good measures for women and girl child? Jaisa ki hum jante hain that women is not living a quality life. Agar national conference iktidar mein aati hai to aapke kya measures rahenge khawateen ke liye if we talk about state level government? Dekhiye, pehli baat to humne hamesha, agar aapko yaad hoga, hamari ek wahid jamaat hai jo women's जो रिजर्वेशन है उसमें भरोसा रखती है. अगर आपको देखा होगा कि हमारी एक वाहिद जमात है जिनने मिनिस्टर्स महिलाओं को बनाया, एमएलसी बनाया. बट रिजर्वेशन बिल इज स्टिल पेंडिंग. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी आना, मेजॉरिटी आए, हम उसके ऊपर बैठे, एक कमेटी बनाकर देखें कि किस तरीके से हाउ वी कैन हेल्प द वुमेन फोक. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई सेड इज दैट इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस यू विल नॉट फाइंड इवन 1 पर्सन हु इज अगेंस्ट गिविंग रिजर्वेशन टू वुमेन. We are in favor, but we should get that majority that right now BJP enjoys in the rest of the country. We should get that majority in the state so that we can implement some decisions in there. Okay, if we talk about Mehbooba government, there was that time Mehbooba government, it was really a historical step, ki zero stamp duty towards women folk. Usse zyada se zyada properties ki registrations jo thi वो ख़वातीन के लिए हो गई. अगर हम लेडीज़ बसेस की बात करेंगे, सो व्हाट अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हम अगर बात करेंगे वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स नहीं हमारे यहाँ अवेलेबल है. अगर हम स्टेट की बात करेंगे, J&K स्टेट की बात करेंगे, रिटायरिंग रूम्स की तो बात ही नहीं है. बाकी अगर हम देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उस बारे में बताइए कि क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस. देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आएगी तो आई एम श्योर उस वक्त हम आपके सामने ही जो भी हमारे प्लान्स होंगे वो करेंगे. देखिए, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जामिया प्रोग्राम होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए. आपने महबूबा जी की बात कही, बहुत अच्छा स्टेप थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दूरी थी. अगर आप देखेंगे वो जो स्पेशल बस है उनके ऊपर वो स्टिकर्स लगे हुए थे, आज अगर जाएंगे वो स्पेशल स्टिकर्स हटे हुए हैं. अब उसमें मर्द भी बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं. ऐसा बिल्कुल मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा, इनफैक्ट मैंने एक पिक्चर भी उठाया. अब मेरा गर्ज है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी. आपने कुछ बसेज रखी थी तो वुमेन, जब आपने देखा होगा कि जब वहाँ रश होता था बसों में, वो नॉर्मल बसों में चढ़ती थी. अगर आपने ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना था तो आपको पहले उतनी बसेज रखनी थी ताकि जो हमारी खवातीन है वो बैठ सकती थी. मतलब ये था तनवीर साहब कि अगर कहीं से इनिशिएट किया गया, क्योंकि वो एक महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं तो उन्होंने खवातीन के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ था, ना लेडीज बसेज आई थी, ना कोई 0% स्टैम्प ड्यूटी हुई थी. देखिये, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, हम इनके खिलाफ नहीं है, इन जो जितने भी प्लान्स हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इक्तदार में आता है तो क्या करेगा? एनीथिंग दैट बेनिफिट्स वुमेन, जो भी हमारी जो महिला हैं उनको कोई भी बेनिफिट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस विल एंश्योर दैट इज इम्प्लीमेंटेड.